प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति आप सबका उत्साह कायम होगा। आज हम सातवीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम पहले ये जानेंगे कि आपने क्या कुछ सीखा है। जल में चीनी घोलने से क्या होता है? जल को फ्रिज में रखने से क्या होता है? यदि गर्मियों में दूध को फ्रिज में ना रखा जाए तो क्या होगा? बच्चों, अब हम यह देखेंगे कि आज हम क्या सीखेंगे। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, लोहे में जंग लगना, क्रिस्टलीकरण। चलो बच्चों, अब एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। बच्चों, जब किसी पदार्थ के आकार, माप, आयतन, रंग और अवस्था जैसे गुणों में परिवर्तन होता है तो इसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। यह परिवर्तन सामान्य रूप से प्रतिवर्ती होता है क्योंकि इसमें कोई भी नए पदार्थ नहीं बनते। बच्चों, इसको दिखाने के लिए हम सबसे पहले एक कागज के कुछ टुकड़े लेंगे और एक टुकड़े को चार बराबर भागों में बांटेंगे। इनमें से फिर से एक टुकड़े को चार भागों में बांटेंगे। अगर हम इन टुकड़ों को एक मेज पर रखकर दोबारा जोड़ने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि यह दोबारा जुड़कर एक कागज बन जाएगा, लेकिन इसके आकार में परिवर्तन आया है। इसका अर्थ है कि कागज के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन आकार में परिवर्तन आया है और यह एक भौतिक परिवर्तन है। चलिए अब हम इसकी एक और उदाहरण देखते हैं। चॉकबोर्ड पर लिखने वाले चॉक के पाउडर को एकत्रित करें, उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर पेस्ट बना लें और अब इस पेस्ट को बेलकर दोबारा चौक के आकार का बनाएं। चौक बन तो जाएगा, लेकिन इसके आकार में परिवर्तन आ जाएगा। इस प्रकार यह भी एक भौतिक परिवर्तन ही है। आओ अब परिवर्तन को एक और उदाहरण से देखते हैं। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो यह पिघलकर जल में बदल जाती है। पिघली हुई बर्फ को दोबारा ठोस बर्फ में बदला जा सकता है। इस तरह जल की अवस्था में परिवर्तन आया है और यह एक भौतिक परिवर्तन है। अब जल को एक पात्र में उबालें। हम देख सकते हैं कि जल भाप बनकर ऊपर उठ रहा है। इस भाप को यदि किसी और बर्तन की सतह पर इकट्ठा करने की कोशिश करें तो यह भाप दोबारा जल की बूंदों में बदल जाती है। हम देखते हैं कि यह भी एक प्रतिवर्ती परिवर्तन है, जिसमें पहले जल भाप में बदला और फिर भाप दोबारा जल में बदल गई। केवल अवस्था में परिवर्तन आया है, गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आया। इस तरह बच्चों, हम पदार्थ के रंग में परिवर्तन के बारे में भी जानेंगे। अगर हम किसी लोहे की कील को चिमटे से पकड़कर गर्म करें और इसके रंग में परिवर्तन आ जाएगा। अगर कुछ देर बाद इस कील को दोबारा ठंडा करें तो यह अपने पहले वाले रंग में आ जाएगी। यह एक रंग बदलने वाला भौतिक परिवर्तन होगा। इस तरह बच्चों, आकार, अवस्था और रंग बदलने वाले भौतिक परिवर्तन हमने देखे। अब हम रासायनिक परिवर्तनों के बारे में जानेंगे। बच्चों, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुणों में परिवर्तन आ जाता है और नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन प्रतिवर्ती नहीं होता है। बच्चों, अब हम लोहे में जंग लगने के बारे में जानेंगे। बच्चों, लोहे को जंग तब लगता है जब लोहे को कमरे के तापमान पर आर्द्र वायु में रखा जाता है।
जंग लगने से लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को जंग लगना कहा जाता है। जंग लगने के लिए लोहे को वायु और जल की आवश्यकता होती है। बच्चों, जंग लगने की प्रक्रिया को हम इस समीकरण के साथ भी समझ सकते हैं। लोहा जमा ऑक्सीजन जमा जल बनता है जंग, यानी के आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। बच्चों, यह तो हमें पता चल गया कि जंग कैसे लगता है, लेकिन जंग लगने से हम लोहे को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, अब हम इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, अगर लोहे की बनी वस्तुओं का वह हिस्सा जो वायु के संपर्क में आता है उसे पेंट कर दें, तो हम इस वस्तु को जंग लगने से बचा सकते हैं। इसी कारण बच्चों, साइकिलों और कारों को पेंट किया जाता है। इसके अतिरिक्त लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए तेल या ग्रीस का इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे कि बच्चों, आपने घरों में देखा ही होगा कि साइकिल की चेन या लोहे के गेट के कब्जों को भी ग्रीस देकर जंग लगने से बचाया जाता है। जंग लगने से बचाने का एक और तरीका यह भी है, जिसे गैल्वनाइजेशन कहा जाता है। इस विधि में लोहे के ऊपर जिस्त जैसी धातु की परत चढ़ाई जाती है। क्योंकि जिस्त लोहे से ज्यादा क्रियाशील होती है, इसलिए बच्चों, जब वस्तुओं की गैल्वनाइजेशन की जाती है तो जिस्त ज्यादा क्रियाशील होने के कारण आग खराब होकर लोहे को बचा लेती है। इस विधि को जल के जहाजों को जंग लगने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, अब हम मैग्नीशियम रिबन में परिवर्तन को देखेंगे। मैग्नीशियम की पतली पट्टी फीता लें तथा रेगमाल से इसके सिरे को साफ करें। अब इस सिरे को तेज लाट पर गर्म करो। यह तेज प्रकाश के साथ जलने लगेगा तथा सफेद राख में बदल जाएगा। मैग्नीशियम रिबन की राख को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में डालने से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसे हम एक समीकरण से समझेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड जमा जल बनाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, अब हम लोहे और कॉपर सल्फेट की प्रतिक्रिया को देखेंगे। बच्चों, इसमें हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील के कारण आए परिवर्तन के बारे में जानेंगे। इसके लिए हमें बीकर, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल और सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल की आवश्यकता है। पहले एक बीकर लें, उसमें 50 ml नल का जल डालें। अब इसमें 2 चम्मच कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डालकर विलयन को अच्छी तरह से हिलाएं। इस विलयन को अच्छी तरह से हिलाने के बाद इसमें पतले सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालें। हमारे पास अम्लीय कॉपर सल्फेट विलयन तैयार है, जो कि नीले रंग का होगा। एक परख नली में 5 ml रंग की तुलना के लिए अलग रख लें। अब शेष विलयन में हल्की पॉलिश की गई लोहे की कीलें डालें और बीकर को आधे घंटे के लिए कागज से ढक दें। अब इन दोनों रंगों की तुलना करके देखें। कीलों को बाहर निकाल लें। हम देखते हैं कि विलयन का रंग नीले से हरा हो गया है और लोहे की कीलों के ऊपर लाल रंग चढ़ गया है। वास्तव में यह परिवर्तन कॉपर सल्फेट का लोहे की कीलों के साथ रासायनिक प्रक्रिया के कारण हुआ है। विलयन का हरा रंग आयरन सल्फेट के कारण हुआ है और कीलों पर लाल परत कॉपर की है। इस तरह बच्चों, हमने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं और रंग बदल जाता है, और इस बदलाव को उल्टाया भी नहीं जा सकता। बच्चों, रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। इसमें हम चूने के रंग के परिवर्तन के बारे में समझेंगे। बच्चों,
इस क्रिया को करने के लिए कॉनिकल फ्लास्क में चूने का पानी लें और एक राउंड बॉटम्ड फ्लास्क में मीठा सोडा डालें। चित्र में दर्शाए अनुसार अपना उपकरण सेट करें। राउंड बॉटम्ड फ्लास्क में कुछ बूंदें सिरके की डालें। सिरका डालने के बाद आपको बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी। इसका अर्थ है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी तो चूने के पानी को दूधिया रंग का कर देगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से निकाला जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसके साथ चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। रासायनिक परिवर्तन। नए पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तनों में निम्नलिखित घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि ताप, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना या किसी गैस का बनना। बच्चों, अब हम पटाखों के चलने की क्रिया को जानेंगे। बच्चों, आप त्योहारों पर पटाखे तो चलाते ही होंगे। पटाखे चलाते समय उसमें क्या परिवर्तन आता है? हम देखते हैं कि पटाखों के जलने का के साथ ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि एवं अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं। यह सभी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। बच्चों, अब हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टलीकरण के बारे में जानेंगे। चलो बच्चों, अब हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के बारे में जानें। इसके लिए हमें धागा, कॉपर सल्फेट का संतृप्त विलयन और कॉपर सल्फेट पाउडर की आवश्यकता होगी। बच्चों, सबसे पहले हम कॉपर सल्फेट का सुपर संतृप्त विलयन तैयार करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले बर्नर को जलाना पड़ेगा और उसके ऊपर बीकर में कॉपर सल्फेट का संतृप्त विलयन रखें। अब इसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर तब तक घोलते रहें जब तक ये घुलना बंद ना हो जाए। बच्चों, इससे आपको यह भी पता चलता है कि ऊष्मा बढ़ने से पदार्थों की घुलनशीलता बढ़ जाती है। अब एक पेंसिल के ऊपर धागा बांधकर खाली बीकर में लटकाएं। यह धागा क्रिस्टलों को केंद्रित करने के लिए सहायक होगा। अब कॉपर सल्फेट का सुपर संतृप्त विलयन इस खाली बीकर में डाल दें। अब इस बीकर को कुछ दिनों के लिए बिना हिलाए रहने दें। बच्चों, कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि धागे के ऊपर कॉपर सल्फेट के बहुत सुंदर क्रिस्टल इकट्ठे हो गए हैं। चलो बच्चों, अब हम इस अध्याय की दोहराई करते हैं। हमने जो पढ़ा है, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के आकार, अवस्था और रंग में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन प्रतिवर्ती होता है और रासायनिक परिवर्तन प्रतिवर्ती यानी के उत्क्रमणीय नहीं होता। चलो बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और उम्मीद करती हूं कि आपको इनके उत्तर आते ही होंगे। निम्नलिखित में से भौतिक क्रिया कौन सी है? दूध से दही बनना, लोहे को जंग लगना, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना। सही जवाब, इनमें से बर्फ का पिघलना जो है वो एक भौतिक क्रिया है। दूसरा प्रश्न, रासायनिक परिवर्तन में डैश पदार्थ बनते हैं, नए, पुराने, भौतिक या जंग लगे? बिल्कुल सही, नए। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। अगला प्रश्न, बर्फ से पानी बनना और पानी से भाप बनना एक उत्क्रमणीय क्रिया है, सही या गलत? ये सही जवाब है,
बर्फ से पानी बनना और पानी से भाप बनना एक उत्क्रमणीय क्रिया है और ये कथन सही है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरें। कॉपर सल्फेट जमा आयरन बनाता है डैश जमा कॉपर। बिल्कुल सही, आयरन सल्फेट। कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ क्रिया करता है तो वो बनाता है आयरन सल्फेट और कॉपर। इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सबको यह अध्याय समझ आ गया होगा। बच्चों, तंदुरुस्त रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।